नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप बिगिनर्स होंगे तो ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि ये फेज से हम गुजरे हैं। ठीक है, आपको 6 महीना साल भर हो गए होंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर बिगिनर्स जब स्टार्ट में बांसुरी जब सरगम आप बजाते होंगे तो ये सभी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ये हुआ है या आपके साथ हो रहा है, ये सभी के साथ ये और ये प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, जब हम सारे गा माँ, अब माँ के बाद जब प आते हैं तो नहीं बज पाता है। ठीक है, और माँ से प जब चेंज करते हैं तो नहीं बजता है। प के लिए मैंने एक बजाया था कि प स्वर को कैसे ठीक करें, उसका जो है कि ट्यूटोरियल मैंने बहुत अच्छे ढंग से दिया हूँ कि प को सही ढंग से कैसे बजाए, प बजाते समय में क्यों परेशानी आती है। ठीक है, प का सारा समस्या का निदान हमने एक वीडियो में किया है। आप लोग वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल का वाला जो फेज है उसमें जाकर आप लोग बहुत सारे टिप्स मैं दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग जाकर सीख सकते हैं। तो जो है कि आज मैं ये बताऊँगा कि जो माँ से जो है, देखिए सा रे ग माँ माँ से प रखते समय एक दूसरा फेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है ना एक ये ऊपर का 3 है, नीचे का 3, ये ऊपर वाला जब ख़त्म होता है तो डायरेक्ट हमको नीचे आना पड़ता है। तो जब नीचे आएंगे तो जब शुरू शुरू जब बजाने जब सीखते हैं सरगम तो हमें बहुत मतलब कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि जो कि आप लोग आसानी से जो है कि आप लोग इसको जो है कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड को माँ से प आते समय जब चेंज होगा तो आप लोग सीख सकते हैं कि इसको कैसे हम कंट्रोल में रखें कि ताकि हमारा साउंड में कोई हिसिंग ना आए, कोई चेंजिंग ना हो, ज़्यादा हाई भी ना बजे, जो बजाना चाहते हैं वहीं बजे। देखिए पहला तरीका है कि देखिए जब एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर इस पे रख के ग और म बजाते हैं, ये तीनों होल पहले से रख दिए हैं, जैसे ग म ग म इस तरह से बज रहा है। लेकिन अगर इस पे रख के भी आप ग म बजाइएगा तो साउंड में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए पहले मैं ग बजा रहा हूँ और रख के बजा रहा हूँ, ये तीनों तीनों होल बंद करके नीचे वाला कोई अंतर नहीं पड़ा। कोई अंतर नहीं पड़ रहा है और नहीं अंतर पड़ता है, 1% उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए और ये माँ देखिए शुद्ध माँ, शुद्ध माँ अब तो कमाल में इस तरह से बजता है, हाफ नोट बजता है शुद्ध माँ। तो देखिए थोड़ा नीचे करके बता रहा ताकि आप लोग को ये होल दिखाई दे। देखिए ये माँ, ये ग और ये माँ, आप लोग देखिए माँ माँ को जो है अगर इसको जो है माँ खोल कर इसको बंद करके भी बजाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आप लोग इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते होंगे तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो बिगिनर्स है अगर इस पर रख कर भी ग और माँ बजाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जब हम माँ से डायरेक्ट प पे जाएंगे तो कैसे जो है कि साउंड को कंट्रोल। देखिए देखिए उसके लिए पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो जानते ही, जैसे देखिए पहले जब हम बांसुरी सीखते हैं तो हमारा फिंगर कम से कम इतना उठा रहता है, धीरे धीरे नज़दीक आता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है 6 महीने साल भर होते जाते हैं। पहले ऐसे होता था, यहाँ से लाते थे हम लोग, यहाँ से माँ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये गलती धीरे धीरे आप सुधारिए और इसको क्या कीजिए कि देखिए अगर यहाँ पे अगर जितना क्लोज में रहेगा ना तो उतना रखने में आसानी होगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ से आते समय शुरू में बहुत दिक्कत होता है, अब जब 6 महीने साल भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी,
लेकिन माँ और यहाँ यहाँ जितना नज़दीक रहेगा तो रखने में आपको आसानी होगी। देखिए तो पहले क्या है कि दो चीज़ सीखिए, माँ पा माँ पा माँ पा, फिर पामा पामा पामा। दो दिन चार दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, वो अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले माँ पा बजा रहे हैं, देखिए तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प रख के म पाइएगा तो ये रखे ये रहिए। देखिए मैं इस फिंगर को मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, जैसे है वह प के लिए तो बस प म प म, नहीं तो आप ऐसे भी देखिए लेकिन पामा बजाने के लिए ठीक है। पामा और म पा आप चाहे तो इस पे प पे रख कर भी बजा सकते हैं। इस देखिए यहाँ से ऐसे बस केवल यही एक दो यही दो होल बंद कर रहा है, अब म पा आसानी से बजा रहा है। ठीक है तो ये है। और नहीं तो अगर आप अगर उठाकर बजाना चाहते हैं तो ज़्यादा जो है ना इसको ऊपर मत कीजिए, ठीक है, अगर शुरू में होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे। और क्या है कि इसको जो है आपको प्रैक्टिस रोज़ करना पड़ेगा, बोले तो रोज़ बोले तो आप अगर 10 दिन अगर कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं छोड़ दीजिएगा दो दिन चले एक दिन करते हैं छोड़ देते हैं फिर हो गया बज गया तो बज गया, नहीं इसको आप 10 दिन कीजिए कंटिन्यू। इस पर ज़्यादा समय भी मत दीजिए, मैं ये नहीं बोला कि इस पर समय आधा घंटा एक घंटा देना है, सिर्फ 5 मिनट दीजिए इसके लिए, एक अलग साइड में रखिए। जब ख़त्म करते हैं तो या शुरुआत में ही आप लोग जब सरगम बजाते हैं तो उसी समय जो है ना कि मापा मापा पामा पामा मापा मापा पामा पामा आप करते जाइए, ठीक है। तो ये आपको जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ना आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको कंट्रोल भी आ जाएगा साउंड में। और दूसरी बात जब बजाएंगे मापा तो ये बातचीत देखिए पहले तो धीरे धीरे ही बजाते हैं, तो जब रखेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें, हमारा प्रॉपर होल बंद रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर होल बंद नहीं रहेगा तो साउंड जो है ना कहीं से भी हल्का सा भी अगर एयर लीक हुआ तो सारा सत्यानाश हो जाता है, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। भले आप शुरू में उसको दबा के रखिए चलेगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं ये सी मिडिल फ्लूट है, तो जो है कि देखिए देखिए मेरा एक दो तीन, ठीक है, आप लोग इससे बजाते होंगे तीन, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए प्रॉपर एकदम बंद रहना चाहिए, थोड़ा सा भी एयर लीक नहीं होना चाहिए। तो ये है आपको जो है, और इस चीज़ को आप मापा मापा और मापा मा का रियाज कीजिए, ठीक है, और आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बोलिए शेयर करने के लिए। जल्द ही कुछ दिनों में मैं गाने का भी ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊँगा, और जो भी बांसुरी का टिप्स रहेगा वो भी बीच बीच में देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।